इतनी बड़ी वगैरह हो रही है। पानी की वजह से है ना, वो इंडिया ने पानी रोका हुआ, डैम शैम बनाया, इसलिए तो हमने इंडिया छोड़ा था, पानी रोक लेते हैं। चमगादड़ भी रहती हैं, अभी निकल के गई यहाँ से। अपने टाइटल में देख लिया होगा, ये शमशान घाट है, ये हिंदुओं का दौर था, तो उस टाइम यहाँ पर मुर्दे वगैरह चलाते थे। हमें खुद नहीं पता कि हम कब क्या करेंगे। अच्छा, तो ये रास्ता पहाड़ों से होता हुआ रेलवे लाइन के साथ साथ जाते हैं, ये बिल्कुल सेपरेट है, यानी यहाँ पर रोड्स वगैरह कुछ भी नहीं बने हुए। तो वैसे तो ज़िंदगी भी एक सफ़र है, लेकिन यहाँ जाने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो ऐसा महसूस होता है कि इन पहाड़ों में, इन वादियों में पता नहीं पहले कितने लोग आए होंगे, जो रहते होंगे कितने चले गए होंगे यहाँ से, इनका नाम और निशान भी बाकी नहीं है। कुछ हैं जैसे ये ना, कुछ कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पर ना, ऊपर पहाड़ी के ऊपर जाकर कुछ कुछ निशानात जो है ना वो नज़र आते हैं कि शायद कुछ आबादियाँ हों यहाँ पर। बाकी कुछ जगह तो प्रॉपर साइनिंग वगैरह हुई हुई है कि यहाँ लोग रहते थे पहले, यानी कि पहाड़ तराश के उनमें बाकायदा निशान बने हुए हैं। कोई एक यूनिवर्सिटी के बाकी आदमी यहाँ पर दरियाफ्त हुए थे कुछ अर्सा पहले, वो भी आपको किसी दिन विज़िट करवाएंगे इंशाल्लाह, व्लॉग बनाएंगे तो आपको दिखाते हैं। उसका बताते हैं कि वो 2500 से 3000 साल पुरानी थी यूनिवर्सिटी जो है ना, जो अभी उसके बाकियात मिले। छोटी तो मैं बांध के नहीं आया, बहुत तेज हो रहा है। ये हम पहुंच चुके हैं शमशान घाट, इसकी बैक साइड पर है। छह सौ साल पुरानी बिल्डिंग है और यहाँ पर इससे पहले था मंदिर, तो यही मंदिर के पास से फिर रास्ता आगे जाते हैं, साथ ही फिर शमशान घाट बना हुआ था। तो ये दरिया के किनारे मंदिर था, शवाला शवाला मंदिर था ये। अच्छा ठीक है, अब तो सैलाब आता है ना तब जाके पानी इधर लगता है ना, पहले नॉर्मल रूटीन के अंदर यही होता था कि पानी यहाँ तक लग रहा होता था। ठीक है, उतरती थी। हाँ ये, हाँ मैं आया था साथ ही से, जब इकट्ठे हम नीचे बैठे हुए वहाँ सीढ़ियाँ उतरती थी। हाँ। ये दरख्त था फुल गर्मी के अंदर, सीढ़ियाँ उतर के हम इस दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए थे। अब तो ये सारा वो खेती बाड़ी वगैरह हो रही है, पानी की वजह से है ना, वो इंडिया ने पानी रोका हुआ, डैम शैम बनाया, इसलिए हमने इंडिया छोड़ा था, पानी रोक लेते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। अच्छा, वो जो आपको सामने नजर आ रहे ना, वो पुराना ब्रिज है, जो पुराना पुल होता है, और उसके साथ ही वो एक नया पुल है जिस पर ट्रैफिक होती है। इस पर ट्रैफिक नहीं होती, अंदर से बस ट्रेन गुजरती है, ऊपर से उन्होंने बंद किया हुआ है। डिटेल लेते हैं, अवैस मलिक भाई हमारे साथ हैं, मलिक आजम साहब हैं, कैसर साहब हैं, यहाँ पर बड़ी बड़ी हस्तियाँ बातें थे कि हस्तियाँ बातें थे तो यहाँ पर उनको जलाया जाता था। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये दरिया के बिल्कुल किनारे पर है। आपको अवैस मलिक साहब डिटेल बताएंगे, इनको मुझसे ज्यादा पता। मलिक साहब ये बताएं, आप इस इलाके की जो है तारीख क्या है, और क्या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, जरा हमें भी शेयर करें। इसका ये जो है, जिस जगह पे हम बैठे हैं ना, ये इसको दिखाना, बेई जगह दिखाना। अच्छा, इसको शमशान घाट कहा जाता है यहाँ पे। अच्छा, तो इसकी हिस्ट्री ये है कि पाकिस्तान बनने से पहले, यानी कि बरे सगीर में, तो हिंदू
इधर रहते थे और हिंदू मुसलमान मिक्स, मतलब यहाँ पे भी रहते थे और उधर भी रहते थे, ठीक है, उधर की इंडिया में, इंडिया में, ठीक है। तो ये जब तकसीम हिंद हुई तो तब यहाँ से जो हिंदू है ना ज्यादातर छोड़ के वो हिंदुस्तान चले गए। तो इसी इलाके में फिर उससे पहले यहाँ पे जो हिंदू लोग आबाद थे ना, उन्होंने ये जगह बनाई हुई थी अपने जो है ना अस्थियां बहाने के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ, भी थे मेरे ख्याल। हाँ जी, मैं दिखाता हूँ आपको कि ये जो रास्ता होता था ना, ये आने का रास्ता होता था उनका, मतलब कि जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के इस जगह पे पहुँचते थे। इस जगह पे प्रॉपर रास्ता बना हुआ होगा उस टाइम। हाँ जी, मैं आपको दिखा देता हूँ, वो नीचे से शुरू हो रही है, यहाँ से वो लेके आते थे, मतलब के जो भी जो मुर्दा होता था उसको लेकर आते थे। तो यहाँ पे ऊपर रस्म होती थी, जो रस्म होती थी वो यहाँ पे करते थे। हाँ जी, फिर उसके बाद यहाँ से फिर वो तो उसके बाद यहाँ पे सुनने में आया है कि यहाँ पे जो है ना वो सीढ़ियाँ नीचे अगर उतरे तो बिल्कुल वो दरिया के साथ लग जाती हैं। ठीक हो गया, कैसे अभी यहाँ से कुछ कुछ ये टूट चुका है नीचे से, नीचे से ना बहुत सा ये नीचे उतर के मतलब नीचे तक चले जाते थे, सीढ़ियाँ ये वाली, ठीक है, पानी के साथ लग जाता होता था। ठीक है जी, सही। तो ये यहाँ से ऐसे नीचे तक सीढ़ियाँ जाती थी, पानी की सतह भी उससे ऊपर होगी। वो ये कहते हैं कि हमारा जो है जो भी कोई मर जाता है, हाँ जी, हाँ, ठीक है, मर जाता जो रस्म होती है उनकी। जो उनकी रस्म होती है मेरे ख्याल से उसको अंतिम संस्कार कहते हैं। और ये उनकी स्पेशल जगह थी, और क्योंकि दरिया के साथ मोस्टली होती और बाकी पुराने पुराने घर जो इंडिया के दौर के भी पहले के जब इकट्ठा होता था पाकिस्तानी दौर से, हाँ, सब कुछ मौजूद है, इधर काफी बनी हुई बाकी हिस्टोरिकल सब है यहाँ पर। अच्छा, उसके अलावा एक वो यहाँ पर ना कोई महल बना हुआ था दरिया के किनारे उस रानी का, पता नहीं अभी उसी के बाकियात हो, ये बाद में शमशान घाट बना दिया, पहले उसके बाकियात हो यहाँ पे ऊपर तक नहीं, अब इसको अभी नहीं पता था वैसे को अंतिम संस्कार क्या होता, नहीं पता था ना मैं कौन सा हिंदुओं के दौर का हूँ, ये तो हिंदुओं के दौर का है। अच्छा, धागे बांधते लोग मन्नत मानते हैं। मजे की आपको बात बताता हूँ कि हमने 2 साल पहले यहाँ पे एक पार्टी रखी थी। अच्छा जी, जब आपको इनवाइट किया था आपको मैंने बोला था नान लेके आया, तो नानो के डर से आया नहीं, मैं इसलिए नहीं आया था, मैंने कहा मुझे नानो की फटीक पड़ रही है। हाँ, मैं नहीं आता। अच्छा, तो यहाँ से मेरे दोस्त आए हुए थे फैसलाबाद से जनाब। अच्छा, कैसर जट साहब भी इधर मौजूद थे, आजम भाई मौजूद नहीं थे तब। हमने ना यहाँ पे जो है ना अरेंजमेंट किया, यहाँ पे वो स्पीकर वगैरह लगाए। अच्छा, हमें हो गई रात, अंधेरा छा गया, लाइट हमने ऑन कर ली, सांप चढ़ के आया, सांप ने यहाँ से ना इधर हो गया ये झाड़ियों के अंदर के ऊपर से सांप गुजर के गया। अच्छा, आगे सारे यार यहाँ पे चमगादड़ भी रहती हैं, अभी निकल के गई यहाँ से, चमगादड़ नहीं होगी सांप होगा, डरावना। मैं सही कह रहा। चले बाबा, मैंने शर्ट भी ऐसी पहनी हुई है, चलते हैं। अस्सलाम। अच्छा तो जी, दरिया के बाद हम आ गए थे इधर दोस्त की तरफ मैच देखने, क्योंकि लाहौर कलंदर का और कराची किंग्स का आज मैच था। तो अभी उन्होंने मैथ्यू वेड को यार कराची वालों ने ओपनर ही भेज दिया, शाहीन ने तो वैसे एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मैथ्यू वेड, मैं चाहता हूँ कि मैथ्यू वेड जो है ना वो ओपनर है, क्योंकि उसको वर्ल्ड कप में आपको याद होगा वो छक्के पड़े थे 3। तो लेकिन अब देखते हैं, ऐसा ना हो मैथ्यू वेड चली जाए और हमारे शाहीन की जो है ना थोड़ी सी हल्की सी आँच पर ना थोड़ी सी बेइज्जती ना हो जाए, और देखते हैं अभी अल्लाह करे जल्दी आउट हो जाए। बाकी अवैस भाई रास्ते से ही चले गए थे, उन्होंने कहा कि अभी कोई काम जाना है मुझे, वरना उनके साथ ही यहाँ पर देखना था, अभी वो आ जाते हैं कुछ देर तक। तो क्या कहते हैं, अवैस भाई आ गए हैं जी। हुआ जनाब, आपको मिस कर रहे थे, देख रहे हो। हाँ, अच्छी वाली फैंटा लगा रहे हैं अभी तो। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियोस आपको जल्द अज जल्द मिल सकें। इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़।